नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बात करूँगा LG इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर टेस्ट बटन के बारे में, हाउ टू यूज़ टेस्ट मोड 1, 2, 3 और 4। ये जो 1 से लेकर 4 तक इसका टेस्ट मोड होता है, इस टेस्ट मोड आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा होती है और क्या नुकसान होती है, ये सब चीज़ों को लेकर आज मैं आप लोगों के सामने बात करूँगा। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि जब इन्वर्टर एक फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, तो उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि DC कंप्रेसर होता है, DC कंडेंसर फैन होता है, DC फ्रीजर फैन होता है, DC सेंसर होता है, DC डैम्पर होता है, हीटर होता है। तो ये सब चेक करने के लिए आपको काफ़ी परेशानी होती है कि आप इस कंपोनेंट को कैसे चेक कर पाएंगे, काफ़ी उलझनी होती है। तो दोस्तों, जब एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर होती है, चाहे वो नॉन फोस्ट हो, नॉन फोस्ट में उसमें बाईमेटल हो, कूलिंग ओवरलोड हो, या फिर हीटर हो, या फिर टाइमर हो, आप उस फ्रिज को आसानी से चेक कर पाते हैं कि इसमें कौन सी दिक्कत है, कौन सी डिफ़िकल्टी आ चुका है और आप उसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आपको ये सारी खूबी आता है। जब एक इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की बात आता है तो आपको काफ़ी परेशानी होती है कि ये जो सारे कंपोनेंट होती है, उस कंपोनेंट को कैसे चेक किया जाए, क्योंकि दोस्तों इसमें बाईपास करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, जो कि नॉर्मल नॉन फोस्ट रेफ्रिजरेटर होती है उसमें आप बाईपास करके उसे एक एक करके आप उसके कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो नॉन फोस्ट होता है रेफ्रिजरेटर, नॉन फोस्ट नॉर्मल रेफ्रिजरेटर होता है, जो कन्वेंशनल रेफ्रिजरेटर होती है, उसमें आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सी दिक्कत, कौन सी खराबी, कौन सी कंपोनेंट को रिप्लेस करना है, कौन सी ख़राब हो चुका है, तो ये फ्रिज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब भी इसका अपोजिट साइड होता है कि इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर साइड में आपको ये सारे ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलने के कारण आपको काफ़ी परेशानी होती है कि सेंसर कैसे चेक करना है, हीटर कैसे चेक करना है, फ्रीजर फैन, कंडेंसर फैन कैसे चेक करना है, ये सारे के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने यही बताऊँगा कि ये जो टेस्ट मोड बटन होता है, जो PCB में दिया जाता है, इस PCB के जो टेस्ट मोड बटन होता है, इस बटन के मदद से आप बिना PCB के जो बटन है, इस बटन को सिर्फ 1 से लेकर 4 तक प्रेस करने के द्वारा आप उसके कंप्रेसर, कंडेंसर फैन, फ्रीजर फैन, सेंसर, हीटर, डैम्पर, चाहे जितने भी कंपोनेंट हो फ्रिज के अंदर, वो सारे को आप चेक कर पाएंगे सिर्फ इस बटन की मदद से। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तुरंत नीचे देकर सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दे और साथ में दिए घंटे को जरूर ऑल कर दे, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाया करें। तो दोस्तों, ये बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो टेस्ट मोड बटन होता है, टेस्ट मोड का बटन कुछ इस तरह काम होता है। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप इस टेस्ट मोड को इस्तेमाल करोगे, तो उसका जो बटन है, सिर्फ बटन में ही प्रेस करना है, आसपास के जो कंपोनेंट होती है उसमें ज़रा सी भी चूक ना हो पाए। अगर चूक हो जाता है तो PCB में डैमेज हो सकती है, आपको भी शक लग सकता है। तो दोस्तों देखिए, टेस्ट मोड को इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ इस तरह काम लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, टेस्ट मोड वन में आपको काका ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा, काका ऑप्शन इसमें चालू रहेगा और कौन से कंपोनेंट आप चेक कर पाएंगे टेस्ट मोड वन के द्वारा। तो उससे देखिए, जब आप टेस्ट मोड वन प्रेस करोगे, तो ये जो स्विच होता है, एक बटन दिया जाता है इमरजेंसी स्विच के तौर पे, तो आपको इसे एक बार प्रेस करना है। जब आप इसे एक बार प्रेस करोगे, तो डिस्प्ले में आपको T1 जैसा कुछ डिजिट दिखाई देगा, और नहीं भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें आपको बीप करके एक साउंड मिलेगा। एक बार प्रेस करोगे तो एक बार, दो बार करोगे तो दो बार, तीन बार करोगे तो तीन बार, चार बार करोगे तो चार बार। तो दोस्तों देखिए, जो पहला ऑप्शन होता है टेस्ट मोड वन, टेस्ट मोड वन कुछ इस तरीके से काम करता है। द कंप्रेसर एंड फ्रीजर फैन विल टर्न ऑन, रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर कंपोनेंट विल बोथ बिकम कोल्ड। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जब टेस्ट मोड वन आप एक्टिवेट करोगे, तो इसका जो फ्रीजर की फैन होती है और जो कंप्रेसर होती है, कंप्रेसर दोनों वर्क में रहेगा, और इसका जो डैम्पर होता है, जो दोस्तों फ्रीजर के बीच में होता है, रेफ्रिजरेटर फ्रीजर के बीच में डैम्पर होता है जो एयर को कंट्रोल करता है, तो दोस्तों ये भी ओके रहेगा। तो दोस्तों, आप एक साथ क्या कर सकते हैं, डैम्पर, फ्रीजर, कंप्रेसर को टेस्ट मोड वन बटन प्रेस करके आप इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर साइड होता है, दोनों ठंड होते रहेगी, तो इसमें आपको क्या पता चलेगा कि डैम्पर भी सही है,
कंप्रेसर भी सही है और फ्रीजर फैन भी सही है। तो दोस्तों अगर फ्रीजर फैन या कंप्रेसर ख़राब हो चुका है, इसमें दिक्कत आ गया है, तो आपको डिस्प्ले में ज़रूर एरर देखने को मिलेगा इस दौरान। अगर नहीं आता है एरर तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो कंप्रेसर होती है, फ्रीजर फैन होता है, डैम्पर होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आइए आप टेस्ट मोड टू के बारे में जानते हैं। टेस्ट मोड टू कुछ इस तरीके से काम करता है। कंप्रेसर एंड फ्रीजर फैन विल कंटिन्यू रनिंग बट द डैम्पर विल क्लोज सो ओनली वन। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि जो कंप्रेसर और फ्रीजर फैन होती है ये कंटिन्यू चलती रहेगी और जो डैम्पर होता है डैम्पर बंद हो जाएगी, डैम्पर में बिल्कुल कोई लाइन नहीं रहेगी। तो दोस्तों इससे आप चेक कर सकते हैं कि कंप्रेसर एंड फ्रीजर जो कंटिन्यू चलती रहेगी और डैम्पर भी बंद रहेगी, तो आपको इस डैम्पर चेक हो गया कि डैम्पर सही है। अगर डैम्पर किसी भी कारण ख़राब होता तो डैम्पर के लिए एरर कोड देखने को मिलता। तो दोस्तों ये टेस्ट मोड थ्री के बारे में जानते हैं। टेस्ट मोड थ्री होता है द कंप्रेसर एंड फ्रीजर फैन विल टर्न ऑफ, द डैम्पर रिमेन क्लोज एंड द डिफ्रोस्ट हीटर विल टर्न ऑन। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि कंप्रेसर एंड फ्रीजर विल टर्न ऑफ, जो कंप्रेसर होता है और जो फ्रीजर की फैन होती है ये दोनों ऑफ हो जाएगा और डैम्पर भी जो क्लोज हुआ था, बंद हुआ था, वो भी बंद रहेगा और इसका जो सेंसर होता है, सेंसर इसे एक्टिवेट हो जाएगा। सेंसर पे 12 वोल्ट लाइन जाएगा। लाइन जाने के बाद इसका जो डिफ्रोस्ट हीटर है, डिफ्रोस्ट हीटर वो ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो डिफ्रोस्ट हीटर जब ऑन होता है तो पीसीबी में से इसका जो हीटर के लाइन होता है उसमें आप वोल्ट मीटर से वोल्ट चेक कर सकते हैं कि ये जो हीटर है, हीटर ऑन हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों आप उसे पीसीबी में वोल्ट भी चेक कर सकते हैं और किसी भी दौरान हीटर भी ख़राब हो चुका है, अभी सेंसर भी ख़राब हो चुका है, तो उसके लिए डिस्प्ले में आपको एरर कोड देखने को मिलेगा। अगर एरर कोड देखने को मिलता है तो आप समझ पाएंगे कि ये सेंसर और हीटर वो ख़राब हो चुका है किसी में से एक। तो दोस्तों अगर सेंसर ख़राब होता है तो सेंसर के लिए एक एरर देगा और जो हीटर ख़राब हो चुका है तो हीटर के लिए एक एरर देगा। तो दोस्तों ये पार्टिकुलर एरर आपको देखने को मिलेगा पार्टिकुलर चीज़ों के लिए। तो दोस्तों ये तो आपको टेस्ट मोड वन, टेस्ट मोड टू, टेस्ट मोड थ्री चेक हो चुका है। अभी तो आप टेस्ट मोड के प्रक्रिया में है। तो दोस्तों इससे निकलने के लिए आपको जो इमरजेंसी स्विच दिया गया है पीसीबी में बटन को, आपको उसे फोर्थ टाइम के लिए प्रेस करना है। जब आप उसे फोर्थ टाइम प्रेस करोगे तो ये डिस्प्ले में आपको बीप करके 4 बार साउंड सुनने को मिलेगा। तो ये ऑटोमेटिकली कुछ मिनटों के बाद ये जो प्रक्रिया है टेस्ट मोड ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और ये स्मार्ट तरीके से चलने लगेगा। ये बिल्कुल इसका डीएक्टिवेट होके दोबारा फ्री चलने के लायक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये टेस्ट मोड काम करता है। तो दोस्तों आप लोगों के पास वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे बता सकते हैं। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।